टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हमने पहले कभी नहीं बनाई है। वैसे इस कार्यक्रम यानी खाना खजाना में हम डिशेस रिपीट नहीं करते हैं। शुरुआत करेंगे एक केले की डिश से। केले से बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये रॉ बनाना है, अगर ये थोड़ा सा पका हुआ होता तो इससे कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, इसी तरह से खा लिया जा सकता था। लेकिन कच्चा केला है, कच्चे केले की बहुत सारी चीजें बनती हैं। सब्जी बनती है, पापड़ बनते हैं, चिप्स बनते हैं, खीर बनती है, हलवा बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। लेकिन कभी केले के वड़े खाए आपने? यदि नहीं खाए तो नोट करें इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। केले के वड़े के लिए हमें चाहिए 4 से 6 कच्चे केले, आधा कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स, नमक स्वादानुसार, 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 छोटा चम्मच खाने का सोडा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 कप दही और तलने के लिए तेल। केले के वड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप जो कच्चे केले हैं उसे पका लें। इसे हमने स्टीम करना है, उबालना है। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव के अंदर भी पका सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि केले के वड़े किस तरह से बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से आप दाल के वड़े बनाते हैं उसी तरह से हम केले के वड़े बनाएंगे और इसको भी दही में सर्व करेंगे। यानी केले के वड़े दही के साथ। दही वड़ा, लेकिन दाल वाला वड़ा नहीं है, केले से बनेगा। यहाँ पर 2 केले पहले से पका के रखे हुए हैं। इसे हमने पानी के अंदर पकाया था और जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसे छील लें। इसे हमने उबालना है। जिस तरह से आलू उबालते हैं उसी तरह से आप केले को भी उबाल लें। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा ना उबालें। बाकी जो केले हैं उसे मैंने माइक्रोवेव के अंदर पकाने के लिए रखा है, वो इसलिए ताकि पता चले कि केले क्या माइक्रोवेव के अंदर पक सकते हैं या नहीं। केले मैंने रख तो दिए हैं, लेकिन रखने के बाद में मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि केले के ऊपर छिलका है, अगर उसे जल्दी पकाना है। उसे मैं निकाल लेता हूँ। माइक्रोवेव में रखने से पहले यदि उसमें हम इस तरह का चीरा लगा देंगे तो ये जो केले हैं ये जल्दी थोड़ा पक जाएंगे। देखिए ये करीब 45 सेकंड में इतने केले पक चुके हैं। और ये जो केले हैं इसे हम काट लेते हैं इस तरह से। अब ये जो केले हैं पक चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसे छील लें। इसे भी हमने पीसेज में काटना है। इसके बाद इसे हमने मैश करना है। ये जितने केले हैं जिसे हमने पकाया है इसे हम फूड प्रोसेसर के अंदर डाल देते हैं। केले डालने के बाद इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हमने मिक्स करना है इसके अंदर। ये जो वड़े हैं काफ़ी टेस्टी वड़े बनते हैं। जितना टेस्ट अभी हम इसमें देंगे उतने ही बढ़िया ये वड़े बनेंगे। इसके बाद इसमें डालें हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, नमक और इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। उसे भी अभी डाल देते हैं हम। गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी खटास देने के लिए इसमें हम डालेंगे अमचूर। इन सब चीजों को अब हमने मिक्स करना है। अब ये जितनी चीजें हैं सब मिक्स हो चुकी हैं। इसे निकाल लें। ये जो वड़े हैं आप देख रहे हैं इसमें हमने काफी सारा टेस्ट दिया है। इसके अंदर प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, हरा धनिया डाला है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। थोड़ा सा चावल का आटा डाला है, लेकिन क्योंकि इसमें हमने कुकिंग सोडा यानी खाने का सोडा भी डालना है तो चावल का आटा खाने के सोडे के साथ स्ट्रेन कर लेते हैं हम। और इसके साथ इसमें मिक्स करें रोस्टेड पीनट पाउडर। देखिए कितनी सारी चीजें डाल रहे हैं। ये जो केले के वड़े हम बना रहे हैं, बनने के बाद ये पता नहीं चलेगा कि ये जो वड़े हैं ये केले से बने हैं या किस चीज़ से बने हैं, लेकिन स्वाद में काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी चीज़ें नहीं खाते, और यदि उस चीज़ का पूरा रूप चेंज हो जाए तो बहुत मज़ा आता है। लोग खा भी जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। मेरे एक अंकल हैं, वो बैंगन बिल्कुल नहीं खाते हैं, और मैं हमेशा उनको कहता रहता हूँ कि नहीं बैंगन खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कहते हैं नहीं नहीं मैंने बहुत बारी ट्राई किया है और मुझे बैंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि मुझे तो बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि बैंगन जो है इसमें पड़ा हुआ और मैं उसको छूता भी नहीं हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसा मत आप बोलिए, क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं बैंगन के साथ कि आपको समझ भी नहीं आएगा और आप खा लेंगे। तो मैंने उनसे शर्त लगाई, मैंने कहा कि आप मेरे से शर्त लगाइए कि मैं आपको अगर खिला सका बैंगन तो आप उसके बाद बैंगन खाना शुरू कर देंगे। कहते हैं ठीक है, लेकिन वो थोड़ा घबरा गए। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या बना के खिला दोगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं खाता। मैं कहा नहीं, मैं आपको अगर बैंगन की बर्फ़ी बना के खिलाऊं तो। वो 2 मिनट उन्होंने सोचा, मैंने कहा बैंगन की बर्फ़ी? मैंने कहा बैंगन की बर्फ़ी भी बन सकती है। कहते हैं सच कह रहे हैं? मैंने कहा। तो उन्होंने शर्त नहीं लगाई। खैर मुझे आज तक बैंगन की बर्फ़ी बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो जो मेरे अंकल हैं उन्होंने बैंगन खाना तो शुरू नहीं किया लेकिन बर्फ़ी खानी भी छोड़ दी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ खिलाना चाहें, लेकिन उनको डर लगता है अगली बार कभी बर्फ़ी खाएंगे कहीं बैंगन की बर्फ़ी ना हो। खैर मैं कोशिश करूँगा कभी उनको कुछ खिलाना। अब बर्फ़ी की जगह शायद बैंगन की खीर बनाऊँ या कुछ बनाऊँ। अभी तो हम बनाते हैं केले के वड़े। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद इसे थोड़ा सा चख लें ताकि इसमें जो नमक है वो बराबर है या नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे इसके वड़े बनाकर। आप इसके छोटे छोटे वड़े बनाएं इस तरह से। पहले एक पीस लें और उसको फ्राई करके देखें, और इसके बाद यदि वो नहीं टूटता है तो आप बाकी वड़े बनाएं। और इसे हमने डीप फ्राई करना है, गर्मा गर्म तेल के अंदर तलना है। ये देखिए फ्राई होकर कितना बढ़िया इसका रंग आ रहा है। ये अब पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्प फ्राई हुए हैं ये। आप दही ले लें और दही को फेंट लें। जिस तरह से हम दही वड़े बनाते हैं ठीक उसी तरह से आप चाहें तो इसके अंदर नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये जो वड़े हैं इसे आप डालें। लेकिन जिस तरह से हम दाल के वड़ों को पहले पानी में डालकर उसमें पानी में सोख करके डालते हैं, इसमें आप इसे पानी में नहीं डालें, इसी तरह से दही में डालें। आप देखेंगे ये वड़े तो हैं अलग किस्म के, लेकिन मज़ा बहुत आता है, टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आपने शायद इस तरह के वड़े पहले नहीं खाए होंगे, यदि खाए हैं फिर भी देखिए इसमें नया हमने कुछ ज़रूर दिया होगा। हम अपने कार्यक्रम में ऐसी कोशिश हमेशा करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएं जो शायद आपने पहले ना बनाई हों, और यदि बनाई भी हों तो उसमें देखें कि कौन सी नई टिप मिलती है, ताकि आप और नई चीज़ें बना सकें। हम चाहते ऐसा है कि आप जब भी खाना बनाना शुरू करें, आपने अगर अपने दिमाग में कुछ बनाने की सोची है, ठानी है, तो डिश बढ़िया बननी चाहिए। कोई भी डिश आप बनाएं उसमें टेस्ट पैरामाउंट है, यानी सारी डिशेस में टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। और टेस्ट कैसे आता है? जब आप प्यार से बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे, टेस्ट ज़रूर आएगा। इसके लिए आप कच्चे केले को पानी में डालकर पका लें और इसे ठंडा करके छील लें और इसे काट लें, और इन पीसेस को बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, जीरा, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा अदरक, नमक, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर इसे मिक्सी में पीस दें। और इसके बाद इस मिक्सचर में चावल का आटा और खाने का सोडा छानकर डालें। इसके साथ इसमें रोस्टेड पीनट पाउडर डालकर इसे मिक्स करें, और इस मिक्सचर के वड़े बनाकर इसे गर्म तेल के अंदर डीप फ्राई करें और इसे निकाल लें। और इसके बाद दही को फेंट कर उसमें नमक, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर इसे मिला लें, और इसके साथ इसमें भुना जीरा पाउडर डालकर इसे मिक्स करें और तले हुए वड़ों को इसमें डालकर सर्व करें। केले के वड़े के बाद अब बारी आती है इस फिश की। ये जो फिश की डिश है बहुत ही बढ़िया है, यूनिक है, फिश की करी है। वैसे फिश करी हमने बहुत बार बनाई है, लेकिन आप देखिए ये जो डिश है बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया इसलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे कोलीग, मेरे दोस्त शेफ सौंदर राजन ने मुझे बना के खिलाई थी और मुझे इतनी बढ़िया लगी कि जब भी मैं उनको मिलता हूँ तो कहता हूँ कि शेफ वो वाली फिश खिलाइए। खैर वो वाली फिश आज आप देखिए, फिश करी आला शेफ सौंदर राजन, इतनी बढ़िया है कि आपके मुँह में पानी आएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। खैर अगली बार आप चेन्नई जाएँ तो शेफ सौंदर राजन से ज़रूर मिलें, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ बनाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। खैर अभी तो देखिए जो उन्होंने मुझे खिलाई थी आज से कुछ साल पहले। इसके लिए हमें चाहिए 600 ग्राम रावस मच्छी, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 2 टमाटर ग्रेट किए हुए, 4 से 6 लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 4 हरी मिर्चें, 2 बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पेस्ट, 2 बड़े चम्मच चीनी, 3 बड़े चम्मच खसखस, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 लौंग, 1.5 कप कोकोनट मिल्क, 1 बड़ा चम्मच सिरका, नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच तेल और फिश तलने के लिए तेल। इस फिश करी के लिए सबसे पहले जो फिश है उसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रावस लिए है, इसके हमने टुकड़े काटे हैं, हड्डी के साथ इसके पीसेस हैं, और इसके बाद इस पे हम लगाएंगे नमक, रेड चिली पेस्ट और हल्दी पाउडर। सबसे पहले इस पे हम नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च का पेस्ट इसके ऊपर हम लगाएंगे। सब तरफ इसे लगा देते हैं और इस फिश को करीब 10 से 15 मिनट तक इसी मसाले में रहने दें। इसके बाद आप जीरा ले लें, जीरे को हमने भूनना है, जीरे के साथ में लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन सब चीज़ों को भून लें आप, इसे हमने पीसना है। लहसुन, कुछ कलियां लहसुन की, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, और पुदीना। इन सब चीज़ों के साथ में इसमें हम डालते हैं जीरा, लौंग और दालचीनी जिसे हमने भूना है। इन सब चीज़ों की हम पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा पानी डालते हैं, पानी डालकर इसे पीस लेते हैं। अब ये जो पेस्ट है तैयार हो चुकी है, इसे हमने पीस लिया है। अब बाकी तैयारी हम करते हैं। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल ले लें आप, और दूसरे पैन में ग्रेवी की तैयारी, इसमें भी थोड़ा तेल ले लें। ये जब तेल गरम हो जाए इसमें हम फिश को फ्राई करेंगे। इन पीसेस को हमने शैलो फ्राई करना है। जब तक ये फिश फ्राई होती है हम बाकी तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। आप तेल गरम कर लें और तेल में डालें स्लाइस किया हुआ प्याज, साथ साथ जो फिश है उस पर भी ध्यान रखें। पलट लें इसे। अब ये जो प्याज है हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट। इस पेस्ट को डालने के बाद इसे कुछ देर भूनना है हमने। ये मसाला भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पेस्ट। रेड चिली पेस्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। रेड पेस्ट थोड़ी सी भूनने के बाद अब इसमें डालें टमाटर, एकदम महीन चॉप कर लें या ग्रेट कर लें टमाटर। और टमाटर को भी भूनना है इस ग्रेवी में हमने। ये चेक कर लेते हैं फिश हम, ये फिश तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बंद कर लेते हैं। जब आप इसे अच्छी तरह से भून लें और इसमें जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाए, तब आप इसके अंदर डालें खसखस का पेस्ट। ये जो पॉपी सीड्स हैं, जो खसखस है, उसे आप गर्म पानी के अंदर सोख करके रखें और उसके बाद उसका पेस्ट बनाएं। इसे मिक्स कर लेते हैं हम। और खसखस डालने के बाद, यानी पॉपी सीड्स डालने के बाद, एक बार फिर इसे हमने कुछ देर पकाना है। जब खसखस कुछ देर पक जाए, तब आप इसके अंदर डालें नमक, चीनी, इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डालने के बाद इसे मिक्स कर लें, इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम। और इसके बाद ये जो फिश के पीसेस हैं, इसे आप ग्रेवी के अंदर डालें। देखिए फिश कितनी सॉफ्ट फिश है, थोड़ी थोड़ी टूट भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। फिश डालने के बाद अब इसे हमने पकाना नहीं है, आंच धीमी कर दें। और सिर्फ अब इसमें हमने डालना है सिरका, विनेगर, इसे मिक्स कर लें। जब ये करी तैयार हो जाए, उसके बाद आप इसको खाएं एकदम फ्रेशली स्टीम्ड राइस के साथ। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, इसलिए सिर्फ गर्मा गर्म चावल के साथ इस फिश करी को खाएं। फिश करी आला शेफ सौंदर राजन, जरूर मजा आएगा। यदि मजा ना आए तो अगले कार्यक्रम में मैं आपको शेफ सौंदर राजन का पता दे दूंगा, ताकि जितने आपके खत हैं, जितने पत्र हैं, आप उनको लिखें और बताएं कि कैसी लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी ही लगेगी। इसके लिए आप फिश के पीसेस के ऊपर नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च की पेस्ट लगाकर इसे करीब 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इन पीसेस को दोनों तरफ से फ्राई कर लें। इसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा पुदीना और ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा, लौंग और दालचीनी को एक मिक्सी में डालें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस कर इसकी पेस्ट बना लें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसके अंदर अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना और ड्राई रोस्ट किए हुए मसालों से बनी पेस्ट डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च की पेस्ट डालकर इसे मिलाएं और उसके बाद इसके अंदर बारीक कटे टमाटर डालकर इसे भून लें। और जब टमाटर पक जाए, तब इसके अंदर खसखस की पेस्ट डालें और इसे पका लें। इसके बाद इसमें नमक, चीनी और नारियल का दूध डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें फ्राई किए हुए फिश के पीसेस को डालें। इसके साथ इसमें विनेगर डालकर इसे मिलाएं और सर्व करें।